फ्रेंड्स, हम में से मैक्सिमम लोग मूवीज देखने के काफी शौकीन होते हैं और अक्सर सिनेमा हॉल्स में जाकर मूवीज देखना पसंद करते हैं। दोस्तों, हम ये बात जानते हैं कि जैसे ही हम सिनेमा हॉल में एंटर होते हैं, उसके पहले सिक्योरिटी चेक पर हमें अंदर कोई भी चीज जैसे पानी की बॉटल या ईटेबल आइटम ले जाने से रोक दिया जाता है। लेकिन इसके लिए कुछ लीगल प्रावधान है। ऐसे ही बहुत इंटरेस्टिंग मामला अभी माननीय हाईकोर्ट के सामने आया, माननीय मद्रास हाईकोर्ट के सामने, जिसमें एक व्यक्ति को पानी की बॉटल अंदर ले जाने से रोक दिया गया और अंदर प्रॉपर पीने योग्य पानी नहीं था। इसके लिए उस व्यक्ति को महंगी पानी की बॉटल वहां की लोकल शॉप से लेनी पड़ी। जब इसकी अपील माननीय हाईकोर्ट के सामने आई तो हाईकोर्ट ने ये माना कि अगर आप जो कंज्यूमर्स हैं, पेट्रॉन्स हैं, उनको पानी की बॉटल अंदर ले जाने से रोक रहे हैं, तो सिनेमा हॉल ओनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अंदर प्रॉपर पीने योग्य पानी उपलब्ध हो और इसकी सारी व्यवस्थाएं उपलब्ध हों। अगर ऐसा नहीं होता है तो ये एफिशिएंसी सर्विसेज होगा और ऐसा हर इंसान जिसके पानी पीने का अधिकार वंचित हुआ है, जो कि आर्टिकल 21 ऑफ संविधान के तहत एक फंडामेंटल राइट है, मुआवजे का अधिकारी होगा। इसी के साथ 2015 में माननीय राष्ट्रीय उपभोक्ता फोरम ने ऐसे सिनेमा ओनर पे जिसने अंदर प्रॉपर पीने योग्य पानी की व्यवस्था नहीं की थी और जो जितने कंज्यूमर्स थे उनको पानी की बॉटल ले जाने नहीं दिया गया था, उस पर 11,000 रुपीज का फाइन इम्पोज किया था। तो अगली बार आप जब भी जाएं तो अपने अधिकारों को जानें और ना सिर्फ जानें बल्कि उनका उपयोग करें। उम्मीद है आपको आज की इन्फॉर्मेशन उपयोगी लगी होगी। ऐसी लीगल अपडेट्स के लिए स्टे ट्यून्ड विद द फर्म लॉ।